तरीन खबरों को जानने के लिए टाइप करें विस्फोटक न्यूज, सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर सरनवाल। विस्फोटक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विस्फोटक न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार, विस्फोटक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं दिनभर की खास खबरों से। हैदराबाद गैंगरेप की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। इस घटना की हर दल के सांसदों ने कड़े शब्दों में निंदा की। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने कहा कि चाहे निर्भया हो या कठुआ, सरकार को उचित जवाब देना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी सार्वजनिक तौर पर लिंचिंग करनी चाहिए। जिन पुलिस कर्मियों ने लापरवाही बरती है उनका नाम सार्वजनिक किया जाना चाहिए और उनको शर्मिंदा करना चाहिए। आज संसद में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। इस वजह से ऐसे मामलों में सख्त कानून लाने की जरूरत है। यदि संसद के सभी सदस्य राजी हो तो इस तरह की घटना के लिए एक ऐसा कानून लाया जाना चाहिए जो सभी को मान्य हो और इस तरह की घटना करने वालों को इससे कठोर से कठोर सजा मिल सके। यदि इस तरह की वारदात करने वालों को कठोर सजा नहीं मिलेगी और इसका संदेश दूर दूर तक नहीं जाएगा तो इन पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा। महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की राजनीतिक विरासत संभाल रही पंकजा मुंडे ने महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 12 दिसंबर को अपने पिता गोपीनाथ मुंडे की जयंती पर अपने समर्थकों को जुटने का आह्वान किया है। माना जा रहा है कि पंकजा इस जुटान के बहाने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाना चाहती है। संजय राउत से जब पूछा गया कि क्या पूर्व भाजपा मंत्री पंकजा मुंडे शिवसेना में शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो संजय राउत ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हमारे संपर्क में अन्य कई नेता भी हैं। तो वहीं भाजपा ने इसको लेकर सफाई दी है। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि पंकजा मुंडे पार्टी नहीं छोड़ रही है, उन्होंने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद बताया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने आज दावे के साथ कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने फडणवीस को 40,000 करोड़ का फंड बचाने के लिए मुख्यमंत्री बनाकर ये ड्रामा किया। अनंत कुमार ने कहा सीएम के पास करीब 40,000 करोड़ की केंद्र की राशि थी। अगर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सत्ता में आते तो वे 40,000 करोड़ का दुरुपयोग करते। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावे को नकार दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा है कि फडणवीस विपक्ष में रहने की आदत डाल ले क्योंकि यह सरकार 5 साल चलेगी और 170 की संख्या बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा है कि यह सरकार कानूनी मार्ग से सत्ता में आई है, विपक्ष याद रखे। महाराष्ट्र की नई सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के रिव्यू के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि उन्होंने राज्य में चल रहे सभी कामों का रिव्यू करने को कहा है जिसमें बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी शामिल है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है। प्रख्यात उद्योगपति राहुल बजाज द्वारा मोदी सरकार की आलोचना वाले बयान को उनके बेटे और बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने असाधारण साहसिक बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडस्ट्री में कोई भी उनके पिता के साथ नहीं खड़ा होना चाहता बल्कि वे अपनी सुविधा के मुताबिक किनारे बैठकर ताली बजाते हैं। आपको बता दें कि शनिवार को एक अखबार के कार्यक्रम में राहुल बजाज ने गृह मंत्री अमित शाह से कहा था कि जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तो हम किसी की भी आलोचना कर सकते थे, अब हम अगर बीजेपी सरकार की खुले तौर पर आलोचना करें तो इतना विश्वास नहीं है कि आप इसे पसंद करेंगे। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान से हुई। सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 97 अंक बढ़कर 40,890 पर खुला। टैरिफ बढ़ाने का ऐलान करने वाली टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कल कहा कि एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली सीनियर चयन समिति का कार्यकाल खत्म हो गया है। गांगुली ने कहा कि इस पैनल का कोई भी सदस्य अब अपना काम आगे जारी नहीं रखेगा। उन्होंने कहा कि अब चयन समिति का कार्यकाल निर्धारित होगा और हर साल चयनकर्ता नियुक्त करने की जरूरत नहीं होगी। बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली ने कहा अब हम चयन समिति का कार्यकाल निर्धारित करेंगे और हर साल चयनकर्ता नियुक्त करना सही नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें विस्फोटक न्यूज। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स।